Hello everyone, assalamu alaikum. Welcome to my channel Indian Muslim Mom Passion. तो आज है फ्राइडे और आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है 6:30 बजे से. अभी अभी मगरिब की नमाज़ हुई है मेरी, तो मैंने सोचा कि मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि आज सुबह से वीडियो बनाने का मेरा थोड़ा सा ना मन नहीं हो रहा था. मन इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि मैं थोड़ा सा थक गई थी, थकान हो गई थी. जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया कि थोड़ा बहुत पेंटिंग का काम मेरे घर में स्टार्ट हो गया है, जिसकी वजह से उस दिन रात में मैं लेट सो गई थी, 2:30 बजे सो गई थी. उसके बाद में एज़ यूजुअल सुबह में उठना होता है. उसके बाद आज जुमा भी था, तो जुमा के दिन बहुत सारे काम भी अपने होते हैं, तो उसी की वजह से ना बहुत ज़्यादा थकान मुझे आज हो गई थी. आज मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं व्लॉग स्टार्ट करूं, लेकिन मैंने फिर भी व्लॉग स्टार्ट कर लिया है, क्योंकि अगर मैं आज व्लॉग स्टार्ट नहीं करूंगी तो फिर से मेरे व्लॉग जो है ना वो पेंडिंग में रहेंगे और मैं डेली जो है ना अपना व्लॉग अपलोड नहीं कर पाऊँगी. तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ. तो अभी मैं जा रही थी सब्ज़ी लाने के लिए, क्योंकि और ये कलर आपको दिख रहा है, कौन सा कलर दिख रहा है, कुछ फर्क ही नहीं है इस कलर में. हाँ, तो ये वाला जो है ना हमने थोड़ा सा ना क्रीम कलर किया है इसको, लेकिन वो उतना क्रीम नहीं हुआ है और थोड़ा सा हम उसमें शेड ऐड करके ना उसको कलर कर देंगे. तो अभी मैं सब्ज़ी लाने के लिए जा रही थी, क्योंकि आज मेरा ना दालचा खाने का मन हो रहा है. तो दालचा खाने के लिए ना मैंने गोश्त दोपहर में ही गला दिया था, क्योंकि मैंने सुबह में ही गोश्त को निकाल कर रखा था ताकि मैं जल्दी से बनाऊँ. तो मैंने दोपहर में गला लिया है ताकि गोश्त ना ख़राब ना हो जाए. तो अभी जो है ना मैं दाल वगैरह गलाऊंगी और अपना जो आगे का काम है दालचे का, जो भी प्रिपरेशन है वो मैं करूंगी. उससे पहले जाकर मैं ना सब्ज़ी लेकर आती हूँ जो कि मुझे लगने वाली है. मुझे थोड़ी सी हरी सब्ज़ी चाहिए और लौकी चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट चूका चाहिए. चूका आई डोंट नो मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा उसके लिए. हो सकता है मुझे थोड़ा सा आगे भी जाना पड़े, क्योंकि यहाँ पर मिलने के चांसेस नहीं हैं, क्योंकि चूका जो है ना यहाँ पर जल्दी से नहीं मिलता है. चूका बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं, तो इसीलिए. तो चलिए मैं जाकर जो है ना सब्ज़ी लेकर आती हूँ, उसके बाद हम अपनी चाय वगैरह बनाएंगे. चाय मैंने दोपहर में पी लिया था 4 बजे के टाइम पर, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ना चाय की क्रेविंग हो रही थी और सर्दी के मौसम में तो चाय बहुत ज़्यादा पी जाती है. तो इसलिए जो है ना मैंने 4 बजे चाय पी लिया था. तो अभी मेरा चाय पीने का मन नहीं हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं जाकर सब्ज़ी लेकर आती हूँ, उसके बाद जो है ना मैं अपनी चाय पीऊँगी. और आजकल क्या हो रहा है, दिन बहुत छोटा हो रहा है, क्योंकि सर्दी का मौसम है, तो सर्दी के मौसम में ऑब्वियसली दिन छोटा होता है. तो बिल्कुल ना काम करने के लिए टाइम मिल रहा है, ना रेस्ट करने के लिए टाइम मिल रहा है. मैं रोज़ाना ये सोचती हूँ सुबह के टाइम पर, 11 बजे के टाइम पर मैं 1 से 1/2 घंटा तो एटलीस्ट जो है ना मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिले, मैं बैठकर आराम से चाय पीऊँ या फिर कुछ भी काम करूं. लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, सुबह में जो गड़बड़ी स्टार्ट होती है ना दोपहर के 1 बजे तक, बिल्कुल 1 सेकंड भी जो है ना मुझे फुर्सत नहीं होती है कि मैं बैठूं. क्योंकि एक तो जो है ना हमारे यहाँ पर पानी 12 बजे चला जाता है, तो उसकी गड़बड़ी रहती है, और दूसरा जो है ना हिमात को स्कूल से लाना होता है, फिर मेरे यूट्यूब के काम होते हैं, और तीसरी जो है ना दिन छोटा है, तो इसलिए टाइम भी जल्दी निकल जाता है और काम भी नहीं होता. तो चलिए बस ये तो चलता रहेगा. गर्मी के मौसम में ना दिन बड़ा होता है, तो गर्मी गर्मी में ना सारा दिन परेशान रहते हैं. लेकिन ठंडी का मौसम जो है ना अच्छा होता है, थोड़ा सा आराम वाला होता है, लेकिन दिन छोटा होने की वजह से ना हम आराम नहीं कर पाते. तो चलिए मैं जाकर सब्ज़ी लेकर आती हूँ, उसके बाद में आपसे मिलती हूँ. क्या है बेटा ये? अच्छा, ये हिमात का ना, देखिए ये हिमात का स्कूल का है. हिमात ने सारे सर्कल बनाए हैं, स्टार बनाए हैं, रेक्टेंगल्स बनाए हैं और हार्ट, सारे शेप्स हिमात ने बनाए हैं, है ना? गुड, हिमात बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं. इधर आओ, आप इधर आओ, इधर आओ, सबसे बात करो, सलाम तो करो, इधर आओ, इधर आओ, ऐसे नहीं ऐसे, इधर आओ. हिमांत के ब्रश के ऊपर ना कैट है, तो हिमांत जब भी ब्रश करते हैं ना, रोजाना का है, पहले बोलेंगे कैट कैसे करती, कैट कैसे करती, मियाऊ मियाऊ, सारे जानवरों की आवाज निकलेगी. उसके बाद हिमांत का ब्रश हो गया ना बेटा, है ना सोनू? कैट कैसे करती? डॉग, बग, बग, टाइगर, ऐसे करता है टाइगर, खा करता है हिमांत, हिमांत को खा जाता है टाइगर. तो चलिए सब्जी लेकर आती हूँ मैं. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे जो है ना चूका चाहिए, और चूका जो है ना मेरे पास में मिलने की गुंजाइश नहीं है, तो मैं थोड़ा सा आगे आ गई थी. आगे इन द सेंस थोड़ा और
दूर जाएंगे तो ये थोड़ी सी बड़ी मार्केट है, तो यहाँ पर जो है ना चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं जो हमें चाहिए होता है। और थोड़ा सा ये कॉस्टली होता है, लेकिन यहाँ पर हमें फ्रेश भी मिलता है और अच्छी चीज़ें भी मिलती है, अच्छी सब्ज़ी मिलती है। मैं आपको घर पर बताऊँगी कि मैंने क्या लिया है। और माशाल्लाह बहुत ही फ्रेश सब्ज़ी मैंने यहाँ से ली है। मैं यहाँ से मटर ले रही हूँ। और एक और बात मैं आपको बता दूँ, एक ना मुझसे गड़बड़ी हो गई है। कल जो मैंने व्लॉग पोस्ट किया था, कल नहीं सॉरी परसों, तो वो मेरा सैटरडे का व्लॉग था और आज है फ्राइडे का व्लॉग। तो यही मेरे से गलती हो गई है कि पहले मुझे फ्राइडे का व्लॉग पोस्ट करना था, उसके बाद सैटरडे का व्लॉग पोस्ट करना था, लेकिन थोड़ा सा जो है ना काम की गड़बड़ी में जो है ये गड़बड़ी हो गई है। आई होप कि आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ना मैं सब्ज़ी लेकर जाऊँगी अभी घर की तरफ, क्योंकि हिमाद के पापा का फ़ोन आया था कि मैं घर पर आ गया हूँ, आप लोग कहाँ पर हैं। तो मैंने उनको कहा कि मैं सब्ज़ी लेने के लिए आई हूँ, तो वो मुझे पूछने लगे कि मैं तो वहीं से आ रहा हूँ, तो आप मुझे दिखाई नहीं दिए। तो मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा आगे आ गई थी। तो उन्होंने मुझे पूछा भी कि मैं लेने के लिए आऊँगी। मैंने बोला नहीं, आप आराम करो, मैं आ जाऊँगी। और यहाँ पर मैं हिमाद को नारियल पानी ले रही थी, क्योंकि हिमाद जब भी नारियल पानी देखते हैं ना, तो हिमाद को नारियल पानी पीना होता है। और ये भैया के पास जो नारियल पानी होता है वो मीठा होता है, और मैं भैया को यही बोल रही थी कि भैया मुझे बड़ा वाला नारियल देना और मीठा वाला नारियल देना। तो हिमाद को तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा यहाँ का नारियल पानी। और अभी हम नारियल पानी पीकर सीधा चलेंगे घर की तरफ। और अभी हम लोग आए हैं घर पर, और मैं यहाँ पर पानी पूरी लेकर आ गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे हस्बैंड घर पर आ गए हैं, और जैसे ही मैं घर में एंट्री लूँगी वो मुझे पूछेंगे ज़रूर कि क्या लाए हो मेरे लिए। तो आदमियों का भी ऐसे होता है ना कि वो भी पूछते हैं आपको कि आप क्या लाए हो मेरे लिए। वैसे मैं उन्हें नहीं पूछती हूँ कि आप मेरे लिए क्या लेकर आए हो, लेकिन ये मुझे बराबर पूछते हैं जब भी मैं बाहर जाती हूँ कुछ लाने के लिए, तो मुझसे पूछते हैं कि क्या लेकर आए हो। और वो एक्सपेक्ट भी करते हैं कि मैं कुछ ना कुछ उनके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। तो इसलिए जो है ना मैंने यहाँ पर पानी पूरी लिया था, ताकि हम लोग जाकर बैठकर घर पर आराम से पानी पूरी खा सकें तीनों, मैं, हिमाद और हिमाद के पापा मिलकर। तो मेरा मानना बस ये है कि जैसे हमारे हस्बैंड हमारा ख्याल रखते हैं ना, हम औरतों को भी उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी पसंद और नापसंद का, कि उन्हें क्या पसंद है, उन्हें क्या खाना अच्छा लगता है। तो मैं बस उनका सोचकर यहाँ पर पानी पूरी लेकर आई थी, अदरवाइज़ मेरा पानी पूरी खाने का आज मन नहीं था। तो चलिए बस हम लोग पानी पूरी खा लेते हैं, उसके बाद मैं जाऊँगी खाना बनाने के लिए। मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर मैं सारी सब्ज़ियाँ निकाल रही थी जो मैं लेकर आई थी। और अब देखिए माशाल्लाह से बहुत ही फ्रेश मुझे सब्ज़ी मिली है। और ये है चूका। चूका जो है ना खट्टा होता है, अगर हम इसको दालचे में डालते हैं तो दालचे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने एक थोड़ी सी कोथमीर ली है, पुदीना लिया है, मेथी एंड चूका, ये सारी चीज़ें जो है ना दालचे में जाएंगी। और इस बार मैं दालचे की रेसिपी इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने अपना कुरान खानी का ब्लॉग बनाया था, उस टाइम पर बहुत से मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि आप दालचे की रेसिपी शेयर कीजिएगा। तो मैंने उन्हें बोला भी था कि मैंने कहीं और शेयर कर रखा है, तो आप वहाँ से देख लो। तो बहुत सारे लोगों को उसमें प्रॉब्लम हुई थी, आई डोंट नो उन्होंने देखा या नहीं देखा है। तो मैंने सोचा कि मैं एक और बार आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैं सारी सब्ज़ियों को तोड़ लूँगी, जैसे कि पुदीना, कोथमीर और चूका, और इन सबको मैं बहुत ही फाइन चॉप कर लूँगी, बहुत ही महीन यानी कि बहुत ज़्यादा बारीक हमें इसको काटना है, ताकि ये दालचे में जाने के बाद पूरी तरह से गल जाए, पूरी से नहीं पूरी तरह से गल जाए। तो बस मैं इसको तोड़कर अच्छे से काट लूँगी, और जो बची हुई सब्ज़ी है वो मैंने फ्रिज में रख दिया है, क्योंकि सारी सब्ज़ी तो यूज़ नहीं होगी, बहुत ही कम मैंने इसमें मेथी ली है और बहुत ही
कम यानी कि थोड़ा सा मैंने मीडियम इसमें पुदीना और कोथमीर लिया है, और चूका तो मैंने उसका हाफ़ गड्डी यूज़ किया है, हाफ़ मैंने फ्रिज में रख दिया है। और ये देखिए दाल भी मेरी ऑलमोस्ट गल गई है, और जो दाल को मैं घोटती थी वो मेरा जो है ना टूट गया है, तो मैं अभी चम्मच से ही दाल को घोट रही हूँ। वैसे दाल अच्छे से गल गई है तो घोटने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने इसमें 2 चम्मच लगाए हैं तो दाल जो है ना अच्छे से मैश हो गई है। तो अभी यहाँ मैं सबसे पहले चावल चढ़ाऊँगी और इसको मैं साइड में कर इसी गैस पर मैं अपना दालचा भी चढ़ाऊँगी। हमारे चावल भी बन जाएंगे और साथ ही दालचा भी बन जाएगा। तो सबसे पहले मैंने ऑयल में खड़े गरम मसाले ऐड किए हैं, जैसे कि इलायची, लौंग एंड तेज़पत्ता, और थोड़ा सा शाही ज़ीरा और 4 से 5 काली मिरी। उसके बाद मैंने इसमें अनियंस ऐड कर दिया था। अभी अनियंस जो है ना हमारे लाइट ब्राउन हो गए हैं, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून के करीब। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रीन चिली का पेस्ट 4 से 5। मैंने यहाँ पर ग्रीन चिली ली है, ज़्यादा मैं ग्रीन चिली का इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि जो दालचा मसाला इसमें जाने वाला है उसमें ऑलरेडी रेड चिली होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कम ग्रीन चिली का इस्तेमाल किया है ताकि जो दालचा है वो ज़्यादा स्पाइसी ना हो। और यहाँ पर जो मैंने सारी सब्जियों को चॉप कर लिया था वो मैंने ऐड कर दिया है। अब हम इन सबको अच्छे से भून लेंगे जब तक कि ये अच्छे से भून नहीं जाते। ये देखिए हमारी जो सब्ज़ियाँ हैं वो अच्छे से भुन गई हैं, और यहाँ पर थोड़ा आपको लाइट का इफेक्ट दिख सकता है क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी, तो मैंने दूसरा वाला मोबाइल का कैमरा यहाँ पर यूज़ किया है। और मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून के करीब जो नारियल का बुरैदा होता है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, इससे दालचे में अच्छा टेस्ट आता है, तो आप भी बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है बॉयल्ड मटन, इसको मैंने नमक और अदरक लहसुन और हल्दी डालकर बॉयल कर लिया था। बस अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हमारा मटन अच्छे से पका हुआ है तो मटन को पकने के लिए अभी यहाँ पर टाइम नहीं लगेगा, बस हम सारे मसाले को अब अच्छी तरह से पका लेंगे। और मैंने यहाँ पर यूज़ किया है 1/2 टीस्पून के करीब टर्मरिक पाउडर, और 1 पाउच मैंने यहाँ पर लकी का दालचा मिक्स यूज़ किया है, और 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर इस्तेमाल किया है, और 1/2 टीस्पून के करीब मैंने रेड चिली पाउडर इस्तेमाल किया है, और 3 बड़े मैंने यहाँ पर टमाटर लिए हैं, वो सब मैंने अच्छे से ऐड कर दिया है। इन सबको मैं अच्छे से पकाना है जब तक कि ऑयल सरफेस पर नहीं आ जाता। और ये देखिए हमारा जो मसाला है वो अच्छे से पक गया है। अब इसी टाइम पर हम इसमें ऐड कर देंगे लौकी, जो कि मैंने बारीक बारीक इसमें बारीक नहीं बहुत ही बड़े बड़े पीसेस मैंने किए हैं सॉरी, तो बड़े बड़े पीसेस के लौकी हम इसमें ऐड करेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। और मैंने यहाँ पर इमली भी साथ ही भिगोने के लिए रख दिया है क्योंकि इमली भी इसमें जाएगी। तो अब हम लौकी को 1/2 कुक होने तक पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें जो हमने दाल को बॉईल कर लिया है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हमें कुछ नहीं करना है, दाल ऐड करने के बाद जो हमने इमली भिगोया है उसका पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। नमक वगैरह चेक कर लेंगे कि सही है या नहीं है, खट्टा आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, जितना आपको खट्टा चाहिए आप उसमें उतनी इमली ऐड कर सकते हो। तो लास्ट पॉइंट पर हम इमली ऐड करेंगे, और चावल भी मैंने दम पर रख दिए हैं, और ये देखिए मैंने सारी इमली इसमें की निकाल ली है, इमली का रस निकाल लिया है, और यहाँ पर जो दालचा है वो बॉईल हो रहा है। मैं इसको इसी तरह से लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए छोड़ दूंगी, तो लौकी जो है वो भी गल जाएगा और दालचे में अच्छा फ्लेवर भी आएगा। तो जब तक कि मेरा दालचा बन रहा था हॉल की हमारी ये हालत हो गई है। मैंने आपको बताया है कि पेंटिंग का काम हमने धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया है, तो जो छोटे छोटे खड्डे वगैरह हैं ना जहाँ पर सीमेंट वगैरह निकल गई है, तो वहाँ पर जो है ना हिमाद के पापा ने पुट्टी भर दिया है ताकि पेंट करने के बाद जो सरफेस है वो क्लियर दिखाई दे। और हिमाद ने बहुत सारी जगह पर मिट्टी बोल रही हूँ मैं, सीमेंट निकाल दिया है, तो वो भी हिमाद के पापा ने अच्छे से भर दिया है। तो बस मैं उसी को साफ़ करूँगी भी, उसके बाद हम लोग खाना खाएँगे। वैसे बहुत तेज़ भूख लग रही है क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, 9:30 बज रहे हैं, और दालचे की महक भी घर में आ रही है, तो और ज़्यादा भूख लग रही थी मुझे, तो इसलिए जो है ना मैं यहाँ पर अभी जल्दी जल्दी सफाई करूँगी सारे हॉल की, उसके बाद हम लोग खाएँगे खाना।
तो चलिए अभी यहाँ पर लग रहा है हमारा दस्तर, आप भी आइए खाना खाने के लिए। और माशाल्लाह दालचा बहुत ही टेस्टी बना था, आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर किसी का दालचा परफेक्ट नहीं बनता है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका दालचा भी परफेक्ट बनेगा। जिस तरह से केटरिंग वालों का बनता है उसी तरह से आपका भी दालचा बनेगा। तो चलिए बस हम लोग खाना खा लेते हैं, एक और बार मैं आपको बुला रही हूँ, आप सब आइए खाना खाने के लिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे खाना खाने के बाद में। खाना मेरा हो गया है, अभी मैं आई हूँ बेडरूम में क्योंकि ना मुझे नींद आ रही है, बहुत तेज़ नींद आ रही है। मैं सोच रही हूँ कि फटाफट मैं बिस्तर बिछा लेती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी सोने के लिए। वैसे भी मैंने बिस्तर नहीं बिछाया है, जस्ट मैं आकर बैठी हूँ। मैंने सोचा कि मैं अपने व्लॉग को एंड कर लेती हूँ, अदरवाइज़ व्लॉग लंबा हो जाएगा और फिर मैं इसको सुबह तक खींचूँगी। हिमान थोड़ा आवाज़ कम करो सोनू। तो चलिए फिर मैं अपने इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तो आप जो है ना इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, आप भूल जाते हो। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।